हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स चैप्टर के समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टीरियस मिस्टर नाथ, रहस्यमय मिस्टर नाथ। निषद एंड हिज 10 ईयर ओल्ड सिस्टर माया हैज ऑलवेज बीन इंक्विजिटिव अबाउट द नेबर मिस्टर नाथ। निषद और उसकी जो 10 साल की बहन माया है, वो हमेशा से इंक्विजिटिव यानी कि कुछ जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। और जिनके साइड में जो उनका पड़ोसी मिस्टर नाथ, उनके बारे में जानने के लिए दोनों बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। वन डे दे मार्बल्स वेंट इनसाइड हिज हाउस, और एक दिन उनका जो कंचा है, जो गोली होती है, वो उसके घर में चली गई मिस्टर नाथ के। एंड निषद गॉट अ चांस टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ मिस्टर नाथ। और निषद को एक चांस मिल गया उनके घर के अंदर एक झलक पाने का। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक पाना। टू निषद ही अपीयर टू बी अ क्रूक रनिंग अवे फ्रॉम द कॉप्स। और निषद को ये ऐसा लगा कि जो मिस्टर नाथ है वो एक ठग है, एक चीटर है, जो कि कॉप्स यानी कि पुलिस से भाग रहे हैं। ही हैड अ बैड स्कार ऑन हिज फेस एंड डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। जो मिस्टर नाथ है उनके चेहरे पे एक बहुत ही बेकार सा घाव था, निशान था। स्कार का मतलब होता है घाव का निशान। और उनके कोई दोस्त भी नहीं थे। बट मिस्टर नाथ इज अ पेशेंट टू देयर मदर हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पर जो मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है, एक रोगी है। निषद की जो मॉम है वो एक डॉक्टर है, तो उनकी मॉम की वो पेशेंट है मिस्टर नाथ। देयर मदर हैड टोल्ड देम दैट ही इज अ पोलाइट मैन। उनकी मम्मी ने बोला है कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट मैन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो विनम्र स्वभाव के हैं। निषद इज ऑल्सो कॉल्ड सेवन बिकॉज हिज नेम मेंट द सेवंथ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। और जो निषद है उसको सात भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो उसका नाम है वो म्यूजिकल स्केल पे सातवें नोट पे है, इसलिए उसके नाम को सेवन भी कहा जाता है निषद को। सॉफ्ट हार्टेड निषद, निषद का जो दिल है बहुत ज्यादा कोमल है, प्यारा है। द टू चिल्ड्रन वर बिजी डिस्कसिंग देयर मिस्टीरियस नेबर। और दोनों जो भाई बहन है वो अपने जो मिस्टीरियस जो रहस्यमय जो उनके पड़ोसी है उनको वो डिस्कस कर रहे थे। दे आर्ग्यूड अबाउट हिज फाइनेंशियल वेल्थ, और वो उनके जो धन है फाइनेंशियली उसको डिस्कस कर रहे थे। नाउ ही मैनेजेस, हाउ ही मैनेजेस हिज फूड एंड सो ऑन। और वो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जो मिस्टर नाथ है अपना जो खाना है, खाना पीना, वो कैसे मैनेज करते हैं। निषद थिंक्स दैट ही इज अ पोअर एंड डज नॉट हैव मच मनी, व्हाइल माया बिलीव्स दैट ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ इट एंड हैज केप्ट इट हिडन समवेयर इन हिज रूम। निषद को लगता है कि जो मिस्टर नाथ है बहुत ज्यादा गरीब हैं और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, जबकि माया को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने उस रूम में कहीं पर छिपा रखा है। Then it was Mr. Nath's scar that bothered the children. उसके बाद जो मिस्टर नाथ का जो घाव था वो उन दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। They thought that he might have got during a shootout with the police. और फिर उसको लगा, उन दोनों को लगा कि हो सकता है कि पुलिस के जो शूट आउट में जो भागा दौड़ी हुई होगी पुलिस के साथ, तो शायद उसे उनके जो माथे का जो स्कार है, जो जख्म है, वो बन गया होगा। On their mother's birthday, निषद went along her to the clinic. फिर जो उनकी मॉम का बर्थडे आया तो निषद अपनी मम्मी के साथ क्लिनिक पे गए। He happened to see Mr. Nath there. फिर उनको निषद को वहाँ पे मिस्टर नाथ मिले। He was worried seeing Mr. Nath's jaunt appearance. और फिर वो देख के चिंतित हो गया निषद मिस्टर नाथ को वहाँ पे देख के। Jaunt का मतलब होता है बहुत ही अच्छी कद का, ठीक है। The evening निषद went to his place and gave a bar of chocolate to Mr. Nath. फिर उसी शाम निषद उनकी जगह पे गए, उनके घर पे गए मिस्टर नाथ के, और फिर उनको एक चॉकलेट दिया। निषद बी फ्रेंडेड रमेश, निषद ने रमेश के साथ दोस्ती की। द बॉय हु यूज्ड टू ब्रिंग फूड फॉर मिस्टर नाथ फ्रॉम अ नियर बाय रेस्टोरेंट। और रमेश कौन है? रमेश मिस्टर नाथ के लिए जो पास के जो रेस्टोरेंट है वहां से उनके लिए वो खाना लाता है। रमेश इन्फॉर्म्ड हिम दैट मिस्टर नाथ हैड टू मील्स अ डे एंड टी इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो रमेश ने निषद को बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो दिन में दो बार खाना खाते हैं और चाय लेते हैं सुबह और शाम। His meal was the same every day and always used to pay in cash and tips as well. उसने ये भी बताया कि उनका जो खाना है हर दिन का वो सेम रहता है, एक जैसा रहता है, और वो हमेशा कैश पेमेंट करते हैं और टिप्स भी देते हैं, अच्छी खासी टिप्स भी देते हैं। टिप का मतलब होता है जब आपको कोई सर्विस अच्छी लगती है तो आप अपनी मन से एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, उसको हम टिप बोलते हैं। He brings two lunches in Saturday and it's the same visitor he finds there. और फिर वो दो लंच लाता है संडे के दिन and it is the same visitor he finds there. और फिर वो एक और विजिटर है मिस नाथ के यहाँ पे जो आता है उनके लिए। The visitor was a tall, stout and
spectacled man who talks a lot while Mr. Nath is quiet person. और फिर रमेश ने इसने ये भी बताया कि जो विजिटर है जो मिस्टर नाथ से मिलने आते हैं वो लंबे कदकाठी के हैं, स्टाउट हैं, यानी कि अच्छा कदकाठी है उनकी और उन्होंने चश्मा लगा रखा है और वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं जबकि मिस्टर नाथ बहुत ही शांत रहते हैं. क्वाइट पर्सन का मतलब शांत. द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड एंड दे वर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टर नाथ बीइंग अ क्रूक. और जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा रोमांचक से भर गए वो, और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर नाथ एक क्रूक हो सकते हैं, ठग हो सकते हैं. माया's facts, जो माया है वो अब क्या facts दे रही है उसको हम discuss करते हैं. This school opened after the summer holidays the next day, but they could not attend it because of heavy rains. अब उन दोनों के स्कूल भी खुल चुके थे जो गर्मी की छुट्टियों के बाद, पर अगले दिन वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. निषेध was busy reading his comics when Maya informed what she had done. निषेध अपनी कॉमिक्स पढ़ने में बिजी था, फिर माया ने उसको बताया कि उसने क्या कर दिया है. She had made a note of everything they knew about Mr. Nath, calling them facts and gave a number to each one of them. फिर उसने बहुत एक नोट बनाया जिसके अंदर उसने वो सभी चीज़ें लिखी थी जो मिस्टर नाथ के लिए उन दोनों ने डिस्कस किया था, और फिर वो उन दोनों को फैक्ट्स बता रहे थे और वो उन दोनों को आपस में दोनों भाई बहन अपने आप को नंबर भी दे रहे थे. निषद डिसएग्रीड विद माया फॉर कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल. फिर निषद माया से असहमत हुआ कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है. निषद नहीं मान रहा था जबकि माया क्रिमिनल मिस्टर नाथ को मान रही थी. ही फेल्ट बैड फॉर हिम फॉर हैविंग नो फ्रेंड्स व्हाइल माया थॉट दैट द विजिटर हु कम्स टू हिज प्लेस ऑन संडे मे बी हिज पार्टनर हु नोज ऑल हिज सीक्रेट्स एंड मे बी द लूट एज वेल. फिर निषद को बहुत बुरा लगा क्योंकि मिस्टर नाथ का कोई दोस्त नहीं है, जबकि माया को ऐसे लगा कि जो विजिटर जो व्यक्ति उनसे मिलता है संडे को हर बार आके, हो सकता है कि उसका पार्टनर हो और हो सकता है कि उसके सारे सीक्रेट्स उसको पता हो और ये भी पता हो कि उन दोनों ने लूट का माल कहाँ पे रखा हुआ है. बोथ द चिल्ड्रन हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड निषद वॉज अपसेट. और दोनों भाई बहन में आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हुआ, और निषद बहुत ज़्यादा परेशान था विथ माया फॉर कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रूक. वो इसलिए परेशान था क्योंकि माया ने मिस्टर नाथ को एक क्रूक बोला, एक ठग बोला. निषद वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग आउट वाई मिस्टर नाथ वॉज सो थिन एंड अ लोनर. और निषद को सिर्फ एक ही बात सताई जा रही थी, वो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड था कि मिस्टर जो नाथ है वो बहुत पतले क्यों हैं और वो अकेले क्यों हैं. ही वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड, और वो उनका दोस्त बनना चाहता था. एंड माया थियोरीज डिंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन सेविंग. और जो माया जो अपनी थ्योरी लेके आई थी, अपने जो तथ्य फैक्ट्स लेके आई थी, उसका निषद पर कोई भी असर नहीं हुआ. So this was the story summary, and I hope that you've learned something in this story. Thank you so much for attending this session. See you in the next video, everyone. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.